तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। भूकंप आ गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, कुछ आया हो तो बच गया तो बता दो भाई कमेंट बॉक्स में लिखना। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दे दिया, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये सांसद थे और मुख्यमंत्री बना दिए गए, तो कानून के हिसाब से आपको 6 महीने बाद मुख्यमंत्री को किसी सदन का मेंबर होना यानी विधानसभा का मेंबर होना अनिवार्य है। यदि आप नहीं होते हैं तो आपको लत मरकर जूता मरकर भगा दिया जाएगा। तो भाई इसीलिए तीरथ सिंह रावत जी ने सोचा भाई चुनाव तो हो नहीं सकता, कोरोना है, चुनाव विधानसभा के 8 महीने बाद है, तो भाई इसीलिए ये लोग कह रहे भाई हम लोग चुनाव नहीं करेंगे, तुम मेरा इस्तीफा ले लो। क्योंकि भाई तीरथ सिंह रावत जी बीजेपी की बैन बजवा दिए थे, क्योंकि भाई इनके कुछ बयान थे ना भाई जो कि कुछ अजीब बयान थे। क्या थे वो बयान? इनके बयान थे कि अरे अमेरिका ने 200 वर्ष तक पूरा उसका राज था, 200 साल तक उसने राज किया। भैया अमेरिका का 200 साल तो राज था नहीं, तो किसका था? हमारे पजी का राज था 200 साल। अरे आओ 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 सॉरी, ब्रिटेन का राज था, ब्रिटेन का। तो भैया इसीलिए भाई तीरथ सिंह रावत जी इस्तीफा दे रहे हैं भाई। तो मैं क्या करूँ, हलवा खाऊ? नहीं भाई हलवा मत खाओ, चुनाव में लगातार ऐसी हरकतें होती रहती हैं। अरे ओ खोचू, तू भी इस्तीफा दे देना। सुन तो नहीं रहा कोई, आके मुझे ना पहले। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों। न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को दोस्तों। थैंक यू जय मंदे मातरम।